नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस। आइए नज़र डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक आदमी को खेतों में घसीटते हुए ले जा रहे हैं और एक औरत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सादे कपड़ों में पहुँचे ये लोग उत्तराखंड पुलिस के SOG टीम से हैं। इस वीडियो को जिस महिला ने इंटरनेट पर डाला है उसने दावा किया है कि उसे और उसके परिवार को किच्छा पुलिस परेशान कर रही है और इससे पहले भी पुलिस उसके पति और बेटे को स्मैक के झूठे आरोप में जेल भेज चुकी है। पीड़ित महिला फहिमा खान ने उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक और राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखे पत्र में उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस और SOG टीम पर उनके घर में जबरन घुसने, तोड़फोड़ करने और लगातार परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि वह उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव चचहेट थाना शीशगढ़ जिला बरेली की रहने वाली है। महिला के अनुसार उत्तराखंड पुलिस की SOG टीम ने बिना किसी वारंट के उसके घर में जबरन घुसने की कोशिश की और उसके पति को गिरफ्तार करने की कोशिश की। पीड़ित महिला ने जो वीडियो इंटरनेट पर डाला है और जो जानकारी दे रही है उसके अनुसार 26 मई की रात 12 बजे के लगभग पुलिस उनके घर पर पहुंची। महिला ने पुलिस को बताया कि घर पर केवल महिलाएं हैं इसलिए वो दूसरे दिन में आए। बावजूद इसके पुलिस ने जबरन घर का गेट खुलवाया और घर की तलाशी ली। हम दे देंगे तो हमारे जो काम है उसके बाद हम चले जाएंगे। अरे तो क्या देखोगे? अरे हम दे देंगे, तुम्हें क्या बताएं? पास क्या चीज है, क्या देखने? हमारा सब कुछ है, हमारे पास दिखाओ क्या है, सब कुछ है। मेरा बेटा जेल में अभी तक निकला नहीं है, मेरा पति भी जेल में कर दिया था। उनने अशोक फरदियार ने बेवजह जेल भेजा। अल्लाह चाहेगा ना ना इंसाफ उसके घर है, ना इंसाफ खोल और उसके ऊपर वाले का नहीं, ना इंसाफ नहीं। अगला जो वीडियो हमने आपको दिखाया पीड़ित महिला के अनुसार वह 28 मई का है जब कुछ तथाकथित पुलिस वाले सादे कपड़ों में उनके घर पर आ धमके। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पति पर रिवॉल्वर तान दी और घसीटते हुए खेतों में ले गए। बोल नहीं बाबा बलखान में तो मोबाइल दे दो। रहन दो। क्यों परेशान हो रहा है मुझे बता। मेरा फोन दो। हाँ? वारंटी है। खाने से हम। वांटेड है ये। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के हाथ में रिवॉल्वर है जिसे वह अपनी कमर में रखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस से अरेस्ट वारंट दिखाने की बात कही, लेकिन तथाकथित पुलिस वारंट नहीं दिखा पाई। इसके बाद पुलिस को बैरंग ही वापस लौटना पड़ा। यह स्पष्ट नहीं है कि ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस की SOG टीम का है या नहीं। CNE महिला द्वारा उपलब्ध कराए वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह जांच का विषय है और इसकी जांच होनी ही चाहिए। फिलहाल इस विषय पर किच्छा पुलिस का कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही कोई स्पष्ट रूप से जानकारी सामने आई है। क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस हल्द्वानी। उत्तराखंड और देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को पढ़ने के लिए www.creativenewsexpress.com पर जाना ना भूलें और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए क्रिएटिव न्यूज एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।